विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आखिरी दौर में है। बहादुरगढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून ताबड़तोड़ सभाएं और बैठकें कर रहे हैं। वहीं राजेश जून की धर्मपत्नी सुनीता जून और बेटी प्रियंका ने भी डोर टू डोर प्रचार तेज कर दिया है। सुनीता जून और उनकी बेटी ने शहर के दयानंद नगर इलाके में घर घर जाकर वोट अपील की है। कैंपेन के लिए पहुंची सुनीता जून का लोगों ने फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। महिलाओं ने उन्हें गले लगाकर राजेश जून को वोट देने का आश्वासन दिया है। राजेश जून की बेटी प्रियंका का कहना है कि राजेश जून सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं, जिन्हें शहर की हर समस्या और उसका समाधान भी पता है। उनके पिता राजेश जून विधायक बनते ही सबसे पहले शहर और गांव की टूटी हुई सड़कों का निर्माण और सीवर व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो, हम जिस भी गली में जाते हैं लोग यही कहते हैं कि चलो हम कराएंगे अपनी गली। सब ये कह रहे हैं आपके साथ है, अब की बार सिर्फ राजेश जून की वोट देंगे। सारी सरकारें देख चुके हैं, इनेलो, कांग्रेस, बीजेपी, ये कह रहे किसी को नहीं चाहिए, हम राजेश जून को आगे लाना चाहते हैं। उन्होंने जितना हमारे लिए किया है उनको आगे लाएंगे, वो हमारे लिए और कर पाएंगे सरकार में आके, इसलिए सब हमारा साथ दे रहे हैं। इस टाइम अलग अलग समस्या है, किसी के वहाँ पर सीवर खराब चल रहे हैं, किसी के वहाँ पर पानी की समस्या बहुत है, पानी नहीं आ रहा, किसी को वहाँ बिजली की बिल्कुल ही वो नहीं है व्यवस्था, लाइटें नहीं है गलियों में, जो नई कॉलोनियां बनी है लाइन पार्क की साइड, उधर लाइटें नहीं है, अंधेरे में लोग गुजर रहे हैं, 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है उस साइड। जो भी अब हम गए हैं गलियों में, हर गलियों में हमने एक एक आदमी की समस्या को लिखा है अपने रजिस्टर में, और हम पहले उन समस्याओं पे जाएंगे, जैसे सीवर की है, लाइट की है, पानी की है, पहले बेसिक समस्याओं पे जाएंगे, रोडों की है, इन बेसिक समस्याओं को सुधारेंगे, फिर उसके बाद जो कार्यालय में जो काम होंगे वो आगे किए जाएंगे।